गाइस वेलकम टू माय एलियन स्टैंड यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मास्टर कंट्रोल क्या है। तो गाइस काफी सारे फैंस को पता ही होगा, लेकिन गाइस जिनको नहीं पता है उनको आज बताऊंगा कि आखिर मास्टर कंट्रोल क्या है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी ऐसी ऑसम वीडियोस मिलती रहे। सो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस मास्टर कंट्रोल ओमनीट्रिक्स का एक की फंक्शन है जो कि एजमथ की आवाज़ से खुलता है। मास्टर कंट्रोल अनलॉक होने के बाद ओमनीट्रिक्स के यूजर के पास 1 मिलियन से भी ज्यादा एलियंस अनलॉक हो जाते हैं। साथ ही ओमनीट्रिक्स का यूजर जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म रह सकता है। मास्टर कंट्रोल अनलॉक होने के बाद ओमनीट्रिक्स के यूजर को ओमनीट्रिक्स से एलियन सेलेक्ट नहीं करना पड़ता। मास्टर कंट्रोल अनलॉक होने पर ओमनीट्रिक्स का यूजर एलियन के नाम बोलकर या फिर एलियंस के बारे में सोचकर ही एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और साथ ही ओमनीट्रिक्स का यूजर एक एलियन से दूसरे एलियन में काफी जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गाइस अब बात करते हैं हमें मास्टर कंट्रोल आखिर कब कब देखने को मिला था। तो देखो गाइस मास्टर कंट्रोल हमें बेन 10 की ओरिजिनल सीरीज में ही देखने को मिल गया था। जब बेन अपने ओमनीट्रिक्स से छेड़छाड़ कर रहा था तो उस समय गलती से बेन पर मास्टर कंट्रोल ऑन हो जाता है। और उसके बाद हमें मास्टर कंट्रोल एलियन फोर्स में दिखा था जब एजमथ हाई ग्रेड की से मुकाबला करने के लिए बेन की ओमनीट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल अनलॉक कर दिया था। उसके बाद हमें मास्टर कंट्रोल अल्टीमेट एलियन सीरीज में देखने को मिला था जब स्पेक्टर 13 ने अल्टीमेट्रिक्स को हैक कर दिया था तो वहां पर मास्टर कंट्रोल अनलॉक हो गया था। तो गाइस अब आपको ये बात तो पता चली गई होगी आखिर मास्टर कंट्रोल क्या है। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।